नमस्कार, मैं चंद्रमोहन। आप देख रहे हैं BBN 24 हरियाणा न्यूज। तो आज बात कर रहे हैं हम कि जैसा कि हमारे चुनाव हो चुके हैं और 8 तारीख को इनके परिणाम घोषित होने हैं, तो उससे पहले हमारी टीम के द्वारा किए गए सर्वे का हम आपका बताते हैं भी कौन सा विधायक कहाँ से अपना चुनाव जीत रहा है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट, अटेली से आरती राव जो है कि बीजेपी से, नांगल चौधरी से डॉक्टर मंजू चौधरी जो कि कांग्रेस से हैं, झज्जर से श्रीमती गीता बुकल जो कांग्रेस से हैं, शडोरा से श्रीमती रेणुबाला कांग्रेस से, और कलानौर हलका श्रीमती शकुंतला कटार जो कि कांग्रेस से हैं, और फिरोजपुर जिरका मम्मन खान जो कांग्रेस से हैं। फिर बात करते हैं हम नू आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस से हैं, पुनहाना मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस से हैं, करनाल जगमोहन आनंद जो बीजेपी से हैं, मैम से बलराम डांगी जो कांग्रेस से हैं, बेरी से रघुवीर कादियान, रेवाड़ी से चिरंजीव यादव कांग्रेस से, फरीदाबाद NIT सतीश फागणा जो बीजेपी से हैं, नारनौंद से जस्सी पेटवाड़ जो कांग्रेस, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा जो बीजेपी से हैं, पानीपत सिटी प्रमोद कुमार विज जो बीजेपी से हैं, अंबाला कैंट अनिल विज जो बीजेपी से हैं, जींद से महावीर गुप्ता जो कांग्रेस से हैं, समालखा धर्मवीर सिंह छोकर जो कांग्रेस से हैं, कालका प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस से हैं, थानेसर अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस से हैं, गनौर से देवेंद्र कादियान जो कांग्रेस से हैं जो निर्दलीय हैं, नारनौल राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से हैं, लुवारू से राजवीर फरटिया जो कांग्रेस से हैं, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जो कांग्रेस से हैं, आदमपुर से चंद्रप्रकाश जांगड़ा जो कांग्रेस से हैं, नारायणगढ़ से शैली चौधरी जो कांग्रेस से हैं, बादली से कुलदीप वत्स जो कांग्रेस से हैं, सफीदों से सुभाष गांगोली जो कांग्रेस से हैं, अंबाला सिटी निर्मल सिंह जो कांग्रेस से हैं, मुलाना से पूजा चौधरी जो कांग्रेस से हैं, रतिया से जर्नैल सिंह जो कांग्रेस से हैं, फरीदाबाद से विपुल गोयल जो बीजेपी से हैं, हतीन से मोहम्मद इसराइल जो कांग्रेस से हैं, उकलाना नरेश कुमार जो कांग्रेस से हैं, उचाना कला ब्रिजेंद्र सिंह जो कांग्रेस से हैं, टवाणा परमिंदर सिंह जो कांग्रेस से हैं, तीगांव राजेश नागर जो बीजेपी से हैं, सोनीपत निखिल मदान जो बीजेपी से हैं, तोसाम अनिरुद्ध चौधरी जो कांग्रेस से हैं, सोहना रोहतास खटाना जो कांग्रेस से हैं, रोहतक भारत भूषण बत्रा जो कांग्रेस से हैं, शाहबाद रामकरण जो कांग्रेस से हैं, राई से जय भगवान अंतिल जो कांग्रेस से हैं, रादौर श्याम सिंह राणा जो बीजेपी से हैं, पिरथला से रघुवीर तेवतिया जो कांग्रेस से हैं, पियोवा से मनदीप सिंह चट्ठा जो कांग्रेस से हैं, पटौदी से विमला चौधरी जो बीजेपी से हैं, पलवल से गौरव गौतम जो बीजेपी से हैं, सिरसा से गोकुल सेतिया जो कांग्रेस से हैं, हिसार से सावित्री जिंदल जो निर्दलीय हैं, भिवाणी से घनश्याम सर्राफ जो बीजेपी से हैं, एलनाबाद से ब्रत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेस से हैं, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस से हैं, गुल्ला से देवेंद्र हंस कांग्रेस से हैं, बाडड़ा से सोमवीर सिंह कांग्रेस से हैं, बरवाला से रणवीर गंगवा बीजेपी से हैं, बावल में ML रंगा जो कांग्रेस से हैं, बवानी खेड़ा कपूर बाल्मीकि जो बीजेपी से हैं, बड़खल से विजय प्रताप सिंह जो कांग्रेस से हैं, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जो बीजेपी से हैं, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह जो बीजेपी से हैं, डबवाली से अमित शाह जो कांग्रेस से हैं, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया जो कांग्रेस से हैं,
दादरी से मनीषा सांगवान जो कांग्रेस से हैं, गरौंदा से हरविंदर कल्याण जो बीजेपी से हैं, गोहाणा से जगवीर सिंह मलिक जो कांग्रेस से हैं, गुरुग्राम में मुकेश शर्मा जो बीजेपी से हैं, इसराणा से बलवीर सिंह वाल्मीकि जो कांग्रेस से हैं, लाडवा से मेवा सिंह जो कांग्रेस से हैं, होडल से उदय भान चौधरी कांग्रेस से, इंद्री से राकेश कंबोज जो कांग्रेस से हैं, जगादरी से अकरम खान कांग्रेस, बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून कांग्रेस, यमुनानगर घनश्याम दास बीजेपी से, कौशली से जगदीप सिंह यादव कांग्रेस, रानिया से अर्जुन चौटाला INLD, पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला कांग्रेस, नरवाना से विद्या रानी INLD, रोहतक से राहुल मक्कड़ कांग्रेस, नलवा से अनिल मान कांग्रेस, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, और कैथल से आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस, कलाइत से विकास सारण कांग्रेस, और असन से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस, कालामाली से शीशपाल सिंह कांग्रेस, नीलोखेड़ी से भगवान दास बीजेपी, खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस, और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह कांग्रेस। इस पूरी लिस्ट के अंदर जो बहुमत है, जो एग्जिट पोल है, वो 65 कांग्रेस का है, बीजेपी 21 है, INLD 2 है, निर्दलीय 2 है। बाकी 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बाकी रिजल्ट आपके सामने होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।